गाइस, वेलकम बैक टू मोमकॉम इंडिया। जस्ट इन केस आप मेरे चैनल पे नए हैं तो एक क्विक रिकैप आपके लिए। मेरा नाम है मानसी, मेरा एक 3.5 साल का बेटा है, तो लाइफ काफ़ी बिजी रहती है उसके साथ। मैं वर्क भी करती हूँ, साथ में एक होम मेकर भी हूँ, तो बेसिकली लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई है, स्पेशली इन 3.5 सालों में। इन्हीं सालों में एक चैलेंज जो मैंने फेस किया वो है एक्सेसिव वेट गेन। तो टिल अबाउट 3 हफ्ते पहले जब मैं वेइंग स्केल पे चढ़ी और मैंने देखा कि मेरा वेट हो चुका है 80.3 kg, जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली ओबीस कैटेगरी में जाना जाता है। ये मेरे लिए काफ़ी स्केरी था बिकॉज इतना वेट मैंने लाइफ में कभी भी पुट ऑन नहीं किया, इतना अनहेल्दी मैंने कभी फील नहीं किया। And I decided to do something about it. That's when a friend came to my rescue. Meet Biplob. Hi guys. इनको आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं बिकॉज हमने 3 हफ्ते पहले एक वीडियो किया था साथ में, जहाँ पे ही शेयर्ड हिज एक्सपर्टीज अबाउट सिंपल चेंजेस दैट यू कैन मेक इन योर लाइफस्टाइल इफ यू आर वांटिंग टू reduce weight. So apart from being a dear friend, he is a fitness expert and for me he is my coach. Wow. He has taken a target कि उन्हें मेरा weight reduce कराना है and in a way जो मैं कर सकूँ, जिसमें मैं give up ना करूँ। तो मानसी, वो मुझे दिख रहा है तुम में changes, तुम जिस तरह से कॉल करके बार बार पूछ भी रही हो मुझसे, I really appreciate that. तो let's show our viewers कि हमने करा क्या last 3 weeks में। Sure. Yeah. सो गाइज, ये सिंपल चेंजेस करने से जो मुझे रिजल्ट मिला है आप जान के काफ़ी खुश हो जाओगे और सरप्राइज भी हो जाओगे। वो रिजल्ट है दैट 3 हफ्ते बाद मेरा वेट हो चुका है 76.4 kg, विच इज 4 kgs डाउन फ्रॉम वेयर आई हैव बिगन। एंड नो डाइट, नथिंग मेजर आई हैव डन। आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आई है। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि अब ये मेरा लाइफस्टाइल बन चुका है। हमने यही बात करी थी ना पिछली बार कि हम डाइट नहीं करेंगे, तो डाइट नहीं चलती है। थैंक यू सो मच मिस्टर कोच। शुरू हुआ है सिर्फ। सो बीप, नाउ माय नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज दैट अब आगे क्या? ये 3 चीजें तो अब आई एम कंफर्टेबल विद। ओके, व्हाट नेक्स्ट? सो मानसी, मैंने देखा कि तुम्हारा पोर्शन साइज कम हो गया, व्हिच इज वेरी गुड, बट अब इस पे मैं आगे तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ। फर्स्ट, ट्राई एंड टेक योर डिनर बिफोर 8 o'clock, ठीक है? सॉल्ट 8 बजे के बाद मत खाओ, बिकॉज उससे होता क्या है, आपकी बॉडी का जो वाटर वेट है जो बॉडी रिटेन करना शुरू कर देता है। तो जितना हम सॉल्ट को पहले ही ख़त्म कर देंगे उतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओके। एंड सेकेंडली, योर प्लेट डजंट हैव प्रोटीन्स मच राइट नाउ, सो ऐड अ लिटिल बिट ऑफ फिश, चिकन, थोड़ा कुछ और ऐड करो जिससे न्यूट्रिशंस भी मिले। और जिस दिन तुम वेज खा रहे हो उस दिन ब्रोकली या पनीर ऐड कर लो, सोया ऐड कर लो, बट ऐड सम प्रोटीन्स एज वेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे होता क्या है, तुम्हारी बॉडी में अगर प्रोटीन जाएगा तब आपका मसल लॉस नहीं होगा। मसल मास अगर लॉस होने लग जाए, so it's gonna be very dangerous. Okay, okay. I think that's doable क्योंकि अभी मुझे खाना खाते हुए 9:30-10 बज जाते हैं, so I just have to bring it down to 8. Yes. So मानसी, last week मैंने देखा कि मैंने तुम्हें जो बताया था जीरा पानी पियो, वो तुम ले रही हो, which is good, और वो असर दिख रहा है मुझे। बट उसके साथ साथ तुम एक्सरसाइज भी बोला था मैंने तुम्हें करने के लिए, और आई थिंक यू हैव स्टार्टेड वॉकिंग एज वेल। मैं तुम्हें ट्रैक कर रहा था एंड देन सडनली यू हैव स्टॉप। मैंने पूछा नहीं, व्हाट हैपेंड? या सो बीप, आई हैड अ चैलेंज। सो मैंने जब वॉक करना स्टार्ट किया तो जोश इतना हो गया है कि आपको वेट लूज करना है दैट आई स्टार्टेड लाइक एट अ एरोप्लेन की स्पीड पे मैं वॉक कर रही थी। एंड 2 दिन मैंने वॉक किया, हाफ एन आवर में वॉक करती थी अपनी सोसाइटी के 2 राउंड, एंड देन आई हैड अ एंकल स्प्रेन। तो मेरी जो लेफ्ट लेग है उसमें पूरा बैक एक नर्व इतना पेन होने लग गया, एंड एंकल स्प्रेन की मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो उससे मैं थोड़ा सा डर गई। आई थॉट मे बी इट विल इम्पैक्ट मी, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन करती हूँ, पहले शायद वेट लूज करती हूँ। सो उस चक्कर में वो अभी होल्ड पे है। मे बी आई डोंट नो द राइट वे, आई एम जस्ट रनिंग इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेबी स्टेप। सो एग्जैक्टली मानो, यही हम सबके साथ गलती होती है। आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं, आपको जल्दी जाके एरोप्लेन मोड पे नहीं जाना है। डू अ वार्म अप एंड स्लोली स्लोली 1 राउंड करो, 2 राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। we always rush for bigger distances and fast, either big or fast. We should always go slowly and then build up in some time, because body is not used to of moving. So धीरे धीरे उसको habit में लाओ and then you would be able to know your body well. So give yourself some time of 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks, and then gradually आप उसको ज़्यादा करो. And I would give you a very big hack. Start counting your steps. पिछली बार हमने steps की बात करी थी. Start counting your steps. उससे एक motivation रहेगी. अगर तुम हर घंटे में सिर्फ 5 से 7 मिनट वॉक कर लोगी, यू कैन ईजिली कम अप विथ 400 to 500 स्टेप्स. एंड ऐसे करके अगर 10 घंटे तुम 5-5 मिनट करके वॉक करती हो, इट कम्स आउट टू 4500 to 5000 स्टेप्स. घर में ही वॉक कर लिया. एंड दैट हाफ एन आवर जो तुम कह रही हो कि तुम जहाँ वॉक करोगी, दैट विल बी योर बोनस. सो घर पे जब बैठे हैं 5 मिनट हम मूव कर सकते हैं 1 घंटे में. एब्सोल्युटली. आई थिंक जो आज आपने बोला, एवरीथिंग इज वेरी डूएबल. मुझे अपनी लाइफ में आने वाले वीक्स में 5 चीज़ें कंटिन्यू रखनी है. 0 sugar/alternatives अब मुझे बिल्कुल क्रेविंग ही होना बंद हो गया है. जीरा ड्रिंक, अगर आप जानना चाहते हो कि ये जीरा ड्रिंक जो मैं पी रही हूँ ये मुझे कहाँ से मिली, तो आप प्लीज़ बिप्लब के चैनल पे जाइए. बिप्लब का अपना यूट्यूब चैनल है रॉक एंड रोल रनर, वहाँ पे ये रेसिपी ऑलरेडी डली हुई है, आपको ये मिल जाएगी, वेरी ईजी टू मेक. एंड थर्ड थिंग है पोर्शन साइज, सो उसमें प्रोटीन ऐड करके, एंड जैसे आपने बताया, आई विल वर्क ऑन दैट. द फोर्थ न्यू टिप फॉर मी इज़ dinner by 8. आई थिंक एज मदर्स, जब बच्चों को हम पार्क से लेके आते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है बच्चों को सेटल करें, बच्चों को खाना खिलाएं, जिस चक्कर में हमें बच जाते हैं 9:30, लेट हो जाता है, एंड वी रियली स्लीप ऑन अ फुल स्टमक. आई थिंक विच इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम. सो दैट इज़ डूएबल. थोड़ा टाइम अपने लिए निकालते हैं, पहले खुद खा लेंगे, फिर आराम से बच्चों को खिलाएंगे, तो आई थिंक हमारे में भी एनर्जी ज़्यादा होगी. एंड देन वॉक. सो वॉक में मैं डेफिनेटली बीप से टिप्स लेने वाली हूँ कि हाउ कैन आई डू इट राइट, सो दैट मैं दोबारा फॉल डाउन ना हो एंड आई कैन रियली कंटिन्यू इट. सो ये 5 चीज़ें मैं करूँगी, ये 5 चीज़ें आप भी अपने लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए. ये बहुत सिंपल चेंजेस हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इतने एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ मैंने इतने डाइटिशियंस के साथ वर्क किया, हमेशा स्टार्ट जो था वो भी स्लो रहा और एंड तो हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से वेट भी फ्लक्चुएट होता रहता था, एंड साथ में आपको खुद भी एक फ्रस्ट्रेशन होती है कि वाई थिंग्स आर नॉट हैपनिंग विद मी. बट दिस टाइम आई एम फीलिंग वेरी डिफरेंट, आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, एंड आई एम फीलिंग कि मेरी लाइफ चेंज होती जा रही है विद दीज सिंपल टिप्स इंस्टेड ऑफ एनी एफर्ट दैट आई हैव टू मेक. सो गाइज प्लीज एज मदर्स थिंक अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो एंड जॉइन दिस जर्नी विद मी वेयर वी विल लूज वेट एंड बी कॉन्फिडेंट अगेन. एंड बीप, आई रियली होप कि आप ऐसे और फिटनेस टिप्स हमें देते रहो, सो दैट हम जैसे लोगों का बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सके. राइट. सो यही मेरा इंटेंट है इस चैनल का, कि मैं छोटे छोटे ऐसे टिप्स, वीडियोज़ ऑन वर्कआउट, सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम ईजिली कर सकते हैं हमारे रेगुलर लाइफ में, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा. एंड आई विल कंटिन्यू माई एफर्ट्स टू हेल्प ऑल ऑफ यू देयर. डोंट वरी अबाउट इट. So guys, if you really want to be coached by somebody who's real and who's practical, this is the guy you need to reach out to. The channel name is Rock and Roll Runner. आप खुद जाके वो चैनल देखो. I am very sure आप सब्सक्राइब बटन हिट किए बिना वापस नहीं आओगे. So thank you so much for watching. आपसे मिलते हैं another 2 to 3 weeks के बाद with the next update and hopefully with a good job done. Absolutely. Thank you for watching. Bye bye.